हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली वैकेंसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल करके सामने आई है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे जो आज की अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग से जो अपडेट आई हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है और कितने पदों के लिए प्रस्ताव भेजा है, 2169 पदों के लिए ये प्रस्ताव को भेजा है। जितने भी रिक्त पद खाली हैं, जितने भी रिक्त पद हैं, सभी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि कितने पदों के लिए स्वीकृति मिलती है। ठीक है, लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में इसके लिए वैकेंसी जारी हो सकती है और आप लोगों को बस कुछ ही समय इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है सीजीपीएससी की ओर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा है, सितंबर में आ सकती है वैकेंसी। और शासकीय कॉलेजों के लिए 2169 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। यह दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो होगी और साथ ही साथ प्रोफेसर की भी भर्ती होगी। ठीक है, प्रोफेसर की भी भर्ती होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और जितने रिक्त पद हैं सभी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जुलाई में सेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जुलाई में आप सभी को पता है सेट की परीक्षा के लिए जो है अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और आज अंतिम दिवस है। ठीक है, आज आखिरी दिन है सेट की परीक्षा के लिए। तो जितने भी नए अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी सेट का फॉर्म भर दें। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में शामिल होने के इच्छुक हैं और जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, ठीक है, तो सेट की परीक्षा, साथ ही नेट की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। इसके लिए फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, टेंटेटिव डेट्स दे दिए गए हैं किस सब्जेक्ट का किस डेट पर होगा। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। यहाँ आप आगे देखेंगे तो राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वर्ष 2019 में 1300 से अधिक पदों के लिए भर्ती आई हुई थी, ये सभी को पता ही है। साथ ही प्रोफेसर की भी भर्ती आई हुई थी लगभग 500 पदों पर, लेकिन प्रोफेसर की जो भर्ती है वो किन्हीं कारणों से रद्द हो गई थी। जो कुछ नियम वगैरह है उसमें कुछ पेज फंसा हुआ था जिसके वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब ये नियमों को फिर से सुधार करके, दुरुस्त करके फिर से ये वैकेंसी को निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानकारी के मुताबिक प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े 649 कॉलेजेस, कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5315 पद हैं, इसमें से 2169 पद रिक्त हैं। इसी तरह प्रोफेसर के 532 पद खाली हैं। तो सभी पदों के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है और देखते हैं कि कितने पदों में जो है स्वीकृति मिलती है। प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु सीमा इस बार 56 वर्ष कर दी गई है। तो पहले ये जो है 45 वर्ष थी, लेकिन अब इसको 56 वर्ष कर दी गई है प्रोफेसर के लिए। राज्य में पहली बार सितंबर 2021 में सरकारी कॉलेजों और प्रोफेसर की सीधी भर्ती निकली थी। पीएससी से आवेदन मंगाए गए थे, 7000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इसको रोक लग गई थी इसमें भर्ती में। ठीक है, प्रोफेसर की भर्ती के तहत पुरुष अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम आयु सीमा 31 और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसका यह कहकर विरोध किया गया था कि प्रोफेसर भर्ती में जो अधिकतम आयु है वह सही नहीं है। दूसरे राज्यों में प्रोफेसर भर्ती के लिए अधिकतम आयु 55 है, कुछ राज्यों में 58 वर्ष है। हालांकि अब यह बदलाव हो चुका है, तो बदलाव के साथ जो है प्रस्ताव भेजा गया है और जल्दी इसके लिए स्वीकृति मिल जाएगी। अब कितने पदों पर स्वीकृति मिलती है, जैसे अपडेट आता है आप सभी को अपडेट दिया जाएगा। सभी विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स, साइंस और गणित में ज्यादा पद हैं। ठीक है, हिंदी में 170 पद, अंग्रेजी के 172, राजनीति शास्त्र के 130 पद। इसी तरह आगे जाएंगे तो समाज शास्त्र में 128 पद, फिजिक्स के 151 पद, गणित के 178 पद, केमिस्ट्री के 169 पद, बॉटनी के 164, जियोलॉजी के 170, कॉमर्स के 260। इस तरह से काफी सारे पदों पर वैकेंसीज हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है, वो जो है एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सब। तो नेट का एग्जाम होने वाला है
सेट की आज लास्ट डेट है, तो जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया वो सेट सेट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो मास्टर डिग्री है जिस विषय के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो उस विषय से अपना सेट का फॉर्म डाल सकते हैं, और ये क्लियर सेट क्लियर हो जाने पर आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी जो भी कैंडिडेट जिनका नेट सेट हो चुका है, पीएचडी हो चुकी है, वो तैयारी करते रहे हैं, और जल्द ही उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सितंबर में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काफी अच्छी खबर थी क्योंकि काफी समय से इसके लिए इंतजार किया जा रहा है, तो जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आप सभी तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप चैनल पर चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।